हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वेक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे, मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बस 29 तैयारी की जा रही थी। आई नो कि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि कामों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना बर्डन भी था, और फिर एंड के जो रमज़ान होते हैं ना, एंड के जो रोज़े गुजर रहे होते हैं उनके अंदर सफाइयों का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान था, तो इस वजह से व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो आज मैंने सोचा है कि 29 और 30 रोज़े की सहरी और इफ्तार की रूटीन जो भी है मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर इफ्तारी के लिए तमाम चीज़ें तैयार कर चुके हैं और बाहर से मंगाई थी कचौरियाँ, तो यहाँ पर हम इफ्तार के लिए भी बैठ गए हैं। तो बस गेमा गेमी बची हुई थी कि आज चांद रात है या फिर कल होगी, तो बस इसी गेमा गेमी के अंदर यहाँ पर बस इफ्तारी की तैयारी के बाद हम जल्दी से सफाई करने लग गए थे, और बाद में पता चला कि एक और रोज़ा रखना है। तो बस जब 30 रमज़ान हमें पता था कि अब रखना ही है, तो फिर हमने कहा कि जाने सफाई करके पहले डन कर लेते हैं। तो यहाँ तमाम सफाई कर ली थी और फिर उसके बाद हम मिलेंगे अब 30 रमज़ान की सहरी के लिए। सफाई करके बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, फिर खाना खाया और फिर सो गए थे। फिर अब यहाँ पर हम उठे हैं तो सहरी के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। रमज़ान के लास्ट सहरी है और आज इंशाल्लाह चांद रात होगी, तो बस यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। बस जो ये लास्ट सहरी की जा रही है, लास्ट फेनी खाई जा रही है, तो बस ये रोने के बस अब ये अगले साल इंशाल्लाह नसीब होंगी। सहरी तैयार करने के बाद पहले एहतिकाफ़ वाले को भेजा देंगे और फिर उसके बाद सहरी के लिए हम बैठ जाएंगे। तो बस यही रोने के और यही थी कि हम सहरी तैयार करने के बाद टेरिस पे चले जाते थे, और टेरिस पे ही हमारी सहरी इफ्तारी हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून हुआ करता था। और बस साथ ही में दोपहर से ही इफ्तार की तैयारियाँ और तमाम खाने वगैरह की तैयारियां शुरू हो गई थी, और घर में माशाल्लाह से रौनकें थी क्योंकि मेहमान आ चुके थे। तो बस यहाँ पर वन बाय वन तमाम चीज़ें इफ्तार के लिए तैयार की जा रही थी। इफ्तारी के लिए दस्तक खाना खाए और फिर इफ्तार के लिए बैठ गए। तो ये थी हमारी आखिरी इफ्तारी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह रौनकें भी थी, लेकिन एक कमी हमें ज़रूर रही क्योंकि हमारे घर की रौनक यानी कि हमारे दादा हमारे साथ नहीं, और ये कमी हमें हमेशा रहेगी। बस अल्लाह से दुआ है कि उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ बस एहतिकाफ़ वालों के लिए हार फूल लेकर आए हुए थे, और मगरिब के बाद ही ये एहतिकाफ़ से निकल गए हैं यानी कि उठ चुके हैं, तो बस सब इनसे मुलाकात कर रहे थे। और सबसे लास्ट में फिर हम सब बहनें आपस में मिली, और बस यही था 30 डे रमज़ान व्लॉग। आई होप कि आपको हमारे ये रमज़ान व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम सब की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।